भागलपुर के वैरायटी चौक स्थित एक कपड़े की दुकान में सेल्स गर्ल्स के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। दरअसल हंगामा कर रही लड़कियों का आरोप है कि दुकान के मालिक के द्वारा कल दुकान से 1.5 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत कोतवाली थाने में की गई थी, जिसके बाद कोतवाली थाना के ASI देवानंद और पूजा कुमारी जाँच के लिए दुकान पहुँचे थे। जाँच के दौरान यहाँ काम करने वाली सेल्स गर्ल्स के साथ पुलिस वालों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। वहीं एक सेल्स युवक के साथ ASI देवानंद के द्वारा पीट भी की गई, जिसको लेकर दुकान के सभी स्टाफ दुकान के बाहर मजमा लगाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो को लेकर हंगामा किए। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने दुकान मालिक से उनका पक्ष जानना चाहा, तब दुकानदार के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ भी हाथापाई की गई। सेल्समैन का कहना है कि पुलिस वालों ने लाइफ बर्बाद करने की धमकी देने के साथ साथ गोली मारने की भी धमकी दी है। सेल्स गर्ल का कहना है कि दुकान मालिक के द्वारा सारा काम करवाया गया, वहीं चोरी का गलत आरोप लगाकर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। वही हंगामे की सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना के SI ज्योति कुमारी ने भी सेल्स गर्ल के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह काम पुलिस वालों को नहीं करना चाहिए था। मेरा भी राइट है, कोई नहीं रोक सकता है। जो मामला होता है उसमें हम लोग का वकील को क्यों से कीजिएगा, चुपचाप न करेगा, बेइज्जत न किया है पुलिस पे प्रशासन से। बोले मेरा पैसा चोरी हुआ, लेकिन 10 तारीख को हम लोग को ये पता चला। आप पूरा दिन अगर ड्रॉल खोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे ड्रॉल में पैसा नहीं है। आप शाम में क्यों बोले, शाम में बोले भी तो मेरा पैसा चोरी हो गया, तो ये लोग बोले कि खोजिए आप पैसा। भैया हम लोग तो नहीं जानते हैं। उसके बाद ये कुछ नहीं बोले, पूरा दिन भी ठीक रहे, हम लोग से अच्छे से बात की है। शाम में डायरेक्ट ये पुलिस को बुलाए, हम लोग को तुरंत मोबाइल नीचे रखो, पहले अंदर घुसाए केबिन में, बोलते हैं क्या एक एक करके पहले आओ। तो पहले एक मेरी दीदी है, इसको पहले बुलाया, फिर मेरी एक दीदी को बुलाया, उसके बाद फिर हमको बुलाया। हमको बोला कि क्या नाम है जी, हम बोले संध्या कुमारी नाम है। अच्छा तो नंबर तुम अपना क्यों नहीं लिखवा रही थी, बॉयफ्रेंड को नंबर देने में याद रहता है तुमको, और यहाँ नंबर देने में नहीं याद रहता है। डायरेक्टली पूजा कुमारी बोली, वो दरोगा है, उसको 2 स्टार है, और वो क्या बोलती है कि पैसा अभी तुम निकालो, सब मिल गया, हाँ अभी तुम पैसा निकालो वरना घसीटते हुए थाना ले जाएंगे और इतना रगड़ेंगे ना कि तुम लोग का करेक्टर पे धब्बा, और शादी ब्याह तो होने ही नहीं देंगे। और पहले चोरी हुआ तो उनका उस समय भूल था, उन्होंने बोला कि मेरा कैमरा किसी तरह से हिल गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिसके वजह से तार खुल गया। उसके बाद क्या हुआ, आज 9 तारीख के डेट में बॉस नहीं आए, 10 तारीख को जब आए तो 1.5 लाख रुपये बोले चोरी हो गया है, मेरा चोरी हो गया, तुम लोग पैसा निकाल के दे दो, तुम लोग थाना में FIR करेंगे। तो उसके बाद थाना वाला आया डायरेक्टली बिना कुछ सवाल जवाब किए, पैसा निकालो बोलते बोलते मेरे गल पे एक थप्पड़ जड़ दिया। कौन मारा? वो देवानंद पासवान सर, वो भागलपुर कोतवाली थाने के वो दरोगा साहब है, और वो गोली मारा तक का धमकी दे चुके हैं हमको। दुकान का नाम लेडीज जोन है, ये वैरायटी चौक पे है। आप यहाँ कितना काम? हम 10 साल से लगभग काम कर रहे हैं यहाँ पे। दुकान मालिक के इस पर क्या कहना? दुकान मालिक 5ों पे इल्जाम सिर्फ लगा दिए हैं, और उसके बाद तुम ही 5ों में से एक बताओ कौन रखे हो नहीं रखे। हमको तो अभी फिलहाल मैटर के बारे में पता चला है, पहले से कुछ पता नहीं था। मालूम हुआ पैसा चोरी हुआ है, और पुलिस वाले रुकी किए हैं लोगों के साथ, ये तो हम नहीं बता सकते, हम देखते तो जरूर बताते। देवानंद पूजा कुमारी का नाम ले रहे हैं ये लोग, हम देखते तो जरूर बताते। नाम लिए हैं ये लोग? नाम तो लिए हैं कि बटर रुकी किए हैं, मारे भी हैं। अच्छा ठीक है, हम बाद में बताते हैं। क्या कहाँ तक उसी थे पुलिस को? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, गलत हुआ है ना। आप लोगों को जैसा ठीक लगे, नहीं आप जो सुने तो आपको क्या लगता है गलत हुआ है कि बच्ची के साथ? अब तो हम बता नहीं सकते हैं, अगर हम शुरू से देखते तो जरूर बताते हैं, लेकिन ये लोग जो बता रही है उसके अनुसार तो गलत हुआ, गलत ही है। अपना नाम? यह नाम SI ज्योति कुमारी है। थैंक यू मैडम। चोरी हो गया, हम लोग को शाम में बताया, जब पुलिस को पूरा शुरू से लेकर डिटेल में बता दिया ना, तो क्या बोलती है उस सब ने, हम बोले कि सुबह से जो जो आया है उससे पूछिए, क्या बोलता है उस सब ने, तुम 5 जानती हो। और डायरेक्ट पुलिस जैसे आई है ना, क्या बोला, ई मैनेजर है, सेटर इगरा था, चलो इसको उठा लेके, और वहाँ पे एक पाया है उसके सामने भैया को एक थप्पड़ जड़ दिया, और क्या बोलती जाते जाते एक वो देवानंद सर,
जो कि हेड थे वही तारे, तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि तुम, हम बोले ना कि हम उस दिन नहीं आए थे सर, मेरा एग्जाम था, तो क्या बोलती है एग्जाम वो तो तुम्हारा गया, सोचो अब तुम्हारा एग्जाम होने वाला नहीं है, जॉब भी तुम लोग का नहीं लगेगा, कहीं पे जॉब नहीं तुम लोग को देंगे। और बोलती है क्या इसको यश भैया को और किशन भैया को कि तुम दोनों तो अथी हो ना वहाँ जो जेल में है ना, सबको कुछ भी हो सकता है, हो सकता है तुम लोग को गोली मार के उधर ही खत्म कर दे, ऐसा वही बोली और बोल के गई थी। देवानंद पूरा नाम बोली, देवानंद पास अंदर होगा वही आए थे। और इसको क्या बोलती है आई ना, तो इसको ये नंबर हम लोग दो नंबर मोबाइल में रहता तो हर एक नंबर थोड़े ना याद रहता, हम अपना खुद का नंबर बताएं, जब ये मोबाइल से देख के बता रही थी क्या बोलती है कौन कौन बॉयफ्रेंड तुम रखते हो, 10 गो बॉयफ्रेंड का नंबर याद है, तो वो सर क्या बोलते हैं देवानंद सर कि तुम, हम बोले कि मेरे दादाजी का नंबर वो डेट कर गए इसीलिए हम इसमें रखे। ओहो अलग अलग तुम लोग कहीं नैन मटका और तीर चलते रहता है, ऐसे बोले सर देवानंद सर बोले। और एक दरोगा, लड़की दरोगा कोतवाली थाना का दरोगा, और वो जो पूजा कुमारी या पूजा शर्मा जो भी रहे, 2 स्टार उनका यहाँ पे लगा, वो इससे बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन के साथ मनाइए आजादी का महोत्सव, भारी छूट और बम्पर ऑफर्स के साथ। जी हाँ, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हाँ, जेंट्स के लिए 650 रूपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीनअप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 1900 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रूपए में, 1600 रूपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रूपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीनअप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 2100 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। मतलब देश की आजादी के साथ मनाइए अब अच्छा दिखने की भी आजादी लुक सलोन भागलपुर के साथ। तो आज ही हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है लुक सलोन, डॉक्टर आरपी रोड, खलीफा बाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, भागलपुर नगर निगम। असंख्य भारतीय क्रांतिकारियों की जीविका, त्याग, बलिदान को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। हम सभी को यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आज़ादी मिली किसे, कितनों की जान गई सूली पर चढ़े, कितनों के नाखून उखड़े, चमड़ी उधेड़े गए, काला पानी की सजा हुई, अपने बीवी बच्चों से बिछड़े, तब हमें आज़ादी मिली। और आज भी उस आज़ादी के लिए हमारे वीर जवान बॉर्डर पर, कोई रेगिस्तान में तो कोई बर्फ में दिन रात ड्यूटी करते हैं, तब आज आज़ादी बरकरार रहती है। और इसी को हम लोग ध्यान में रखें और देश हित में काम करें, और ऐसा कोई काम नहीं करें जो देश हित में ना हो। एक परिवार की भी हानि होती है तो वह देश का हानि होता है, किसी दूसरे का भी हानि देश हानि है। इसीलिए सबके भले की सोचें, अपना तरक्की करें और सुविचार रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सुद्दू साई, पूर्व जिला अध्यक्ष, महानगर जदयू, भागलपुर। आपको एवं आपके पूरे परिवार, मित्र बंधु को स्वतंत्रता दिवस एवं विशहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी प्रणाम, मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास की ओर से समस्त भागलपुर वासियों एवं बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं विशहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। ओम भास्कर, विधानसभा संयोजक,
भागलपुर भाजपा की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भागलपुर वासियों, बिहार वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, कांग्रेस कमेटी भागलपुर की ओर से तमाम देशवासियों एवं बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजेश कुमार झा, इंस्पेक्टर लोदीपुर थाना की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भागलपुर एवं बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राजकुमार रंजन, पहल कंसल्टेंसी की ओर से भागलपुर वासी एवं बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं वैशाली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जोगसर थाना SI शक्ति पासवान की ओर से तमाम भागलपुर वासियों और बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बिहारी लाल, चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, IMA के पूर्व सचिव एवं उपाध्यक्ष। मैं डॉक्टरों एवं शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं। हमारा देश, हमारा यहां की सारी नागरिक समृद्ध हो, प्रगति पे रहे, इसी जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रभात कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक आत्मा भागलपुर की ओर से तमाम भागलपुर एवं बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं शंकर प्रसाद गुप्ता, राजा झुग्गी झोपड़ी प्रपोषक का जिला अध्यक्ष की ओर से तमाम भागलपुर वासियों एवं देश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा का हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं शिशुपाल वारसी, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर जिला जनता दल यू की ओर से बिहार वासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर मणिभूषण, प्रेसिडेंट IMA भागलपुर, डेली न्यूज के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इस बार का नेशनल थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। सौगंध हमें इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं बटने देंगे। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं प्रिया सोनी, माँ आनंदी संस्था की संस्थापिका, स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी 77वां आजादी के वर्षगांठ मना रहे हैं। महिलाएं हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चूल्हे से लेकर चंद्रयान तक लोहा मनवा रही हैं। आज हमारे वर्षगांठ, आजादी वर्षगांठ के 76 साल बीत गए, लेकिन क्या आज हम आजाद हैं? महिलाएं आज भी हमारे देश की आधी आबादी जो है स्वयं निर्णय नहीं लेती हैं, अपने निर्णय के लिए या तो पति पिता या बेटे पर निर्भर करती हैं। और भी हमारे यहाँ दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्याएं जैसी कई समस्याएं हमारे समक्ष, हमारे समाज के समक्ष उपस्थित हैं। और हमारे देश तभी आजाद होंगे जब हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी, जब हमारी बहनें आत्मनिर्भर होंगी और माताएं वृद्ध माताओं को जो सुरक्षित रहेंगी और उन्हें सम्मान मिलेगा। हमारी संस्था इन सभी चीज़ों पे निरंतर कार्य कर रही हैं और कार्यरत हैं। और हम सभी आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी समाज के प्रबुद्ध जन आकर के संकल्प लें, जो हम इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करें, ताकि हमारी देश जो है पूर्णतया आज़ाद हो। और हमें आज के दिन एक बात जरूर यह भी याद रखना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां छत्रपति शिवाजी और महाराज सम्राट अशोक जैसे राजा हुआ करते थे। हम उस देश के नागरिक हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती थी बसेरा। हम उस देश के नागरिक हैं जहां अपनी भूगोल से पहले ब्रह्मांड के भूगोल नजर आया करते थे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रवि झा, चाय उस्ताद, नेशनल हाईवे ढाबा की ओर से तमाम भागलपुर वासियों एवं बिहार वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अजय कुमार राय, मुखिया संघ के अध्यक्ष, जगदीशपुर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सर्कुलर के पंचायती राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
एवं भानुप उत्थान महासंघ के जिला अध्यक्ष की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलावासियों एवं प्रखंडवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारूप चक के रहने वाले नवल किशोर पोद्दार के पुत्र सुदर्शन कुमार की पास के नदी में नहाने के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई का कहना है कि उसका भाई राजकीय मध्य विद्यालय मारूप चक में 5वीं कक्षा में पढ़ता था और आज सुबह सुबह भाई को स्कूल छोड़कर गया था, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और उसका भाई स्कूल के समय में नदी में नहाने कैसे चला गया। इसको लेकर स्कूल पर मृतक बच्चे के परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि स्कूल की लापरवाही के कारण बच्चा स्कूल के समय में स्कूल से बाहर निकल गया और नदी में नहाने के लिए पहुंच गया, इस कारण उसकी डूबने से मौत हो गई। वहीं परिजन स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और मामले की जांच में जुट गई है। स्कूल में पढ़ाई उड़ाई होता नहीं है, टीचर सब शर्मा है, हेडमास्टर भी शर्मा है, बच्चा सब बाहर में खेलते रहता है, हम बैठ के भगाते रहते हैं, दाई भी टीचर खाली मौज मस्ती में रहता है, पढ़ाता नहीं है। शिक्षक, एक शिक्षिका है, उसको डेली यहाँ छोड़ने आता है, वह भी बैठ के चक्करबाजी करता है। यहाँ पढ़ाई तढ़ाई कुछ नहीं, जीरो है। क्या लगता है जो बच्चा सुबह स्कूल आया था, ये लोग इसके बारे में हम कन्फर्म नहीं कर सकते, अटेंडेंस देख लीजिए, इसके बारे में हम कन्फर्म नहीं कर सकते। हाँ दिखाया नहीं तो नहीं, देखिए ना, आप लोग भी देखिए, अटेंडेंस दिखलाइए। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल या स्कूल का लापरवाही है, ये मैं कह रहा हूँ लापरवाही है, सब टीचर का लापरवाही है। स्कूल आती है खाली मोबाइल में बात करती है, गप करते बुलाए शिक्षक सबका भी थपड़े देंगे मुंह पर, हम बुलाइए सबको, सबको हम हिदायत करते रहते हैं, कोई खाली लापरवाही करती है। नहीं बच्चा नहीं आया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चा क्लास आया था लेकिन बच्चा डूब के गया, क्या कहते हैं? नहीं नहीं विद्यालय हमारे नजर में बच्चा नहीं आया है स्कूल, उसकी अटेंडेंस भी नहीं है स्कूल। बच्चे लोग जो बोल रहे हैं, देखिए इसकी हम नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा नहीं आया है। अगर आता है बच्चा की उपस्थिति होती है, ठीक है, बच्चे की उपस्थिति होती है यहाँ, तो इसके लिए बड़े टीचर से आपको पूछना पड़ेगा। हाँ क्लास टीचर है, ऊपर में है। अटेंडेंस बनाया? नहीं अटेंडेंस नहीं है, बच्चा रेगुलर नहीं आता है, कभी एक आध दिन आता है, नहीं आता है, ठीक है। लगातार बच्चे आपके स्कूल नहीं आते? नहीं वो अब्सेंट रहता है बच्चा, वो बच्चा ही से। हाँ नहीं और भी है लेकिन वो भी नहीं आता है, उसके घर के और भी बच्चे हैं, वो भी बहुत कम आता है स्कूल। आज उनकी बेटी आई थी तो उनको हम पूछे भी क्या दिक्कत, बोला आँख में पेन है इसलिए हम नहीं आ रहे थे। वो बच्चा बहुत कम आता है, एक आध दिन कभी आता है, नहीं आता। बच्चा आया था? नहीं देखिए, नहीं नहीं फाइव के बच्चे को पूछ लीजिए, जो फाइव में चुके बच्चा था, एक बार पूछा जाए। आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो झूठ बोलते जा रहे हैं क्या? नहीं ये हम नहीं कह सकते, बच्चे बता रहे हैं कि बच्चा आया था, उसका मतलब बच्चों को झूठ की शिक्षा। देखिए उसमें दो बात हो सकती है, या तो प्रार्थना से पहले आया होगा, चूँकि अटेंडेंस के बाद अटेंडेंस होगा और आया है ना, अंतर है। हाँ अंतर है, अंतर है, दोनों में अंतर है, सही बात है, लेकिन चूँकि उसकी अटेंडेंस नहीं है ना, हम लोग उसको देखे हैं बच्चे को, उसकी क्लास टीचर से एक बार पूछ लिया जाए कि वो क्लास टीचर रहती है क्लास में। सहपाठी तो बोल रहे हैं कि नहीं वो सेवन का बच्चा है जो बोल रहा है, वो सेवन होगा तब ना बोल रहा है। नहीं ठीक है वो हम नहीं कह रहे हैं, उसको हम झूठ नहीं कह सकते हैं। आप क्या हैं? हम प्रधानाध्यापक हैं। मेरा नाम चिरंजीवी शर्मा है। हम इसको स्कूल छोड़ के आए,
स्कूल से आए जैसे, फिर हम घर आए खाना खाने, घर खाना खाने आए उतने देर में भाई यहाँ आगे बोला गुंजी देखो तुम्हारा भाई डूब रहा, स्कूल से इसको भगा दी, भगा ही दिया था। नहीं हम इसको स्कूल से प्रार्थना ही प्रार्थना का टाइम है मैं ही इसको छोड़ के आया है, बात खत्म हुआ, इसको हम छोड़े हम आए घर खाना खाने। आपको स्टूडेंट से भी पूछवाए सर, वहाँ पे स्टूडेंट बोला ना, तब क्या आपको हम पे भी झूठ लग रहा है क्या, स्टूडेंट झूठ बोल रहा है। भागलपुर में कोसी नदी ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले के नौगछिया अनुमंडल की रंगरा प्रखंड अंतर्गत मदरौनी गांव कोसी नदी से घिर चुका है, दर्जनों घरों में पानी प्रवेश कर गया है। हर वर्ष मदरौनी गांव के लोग बाढ़ का दंश झेलते हैं। कोसी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। ग्रामीण अब ऊंचे स्थानों पर जाने या घर की छत पर शरण लेने को विवश है। घरों में पानी प्रवेश करने के बाद पीने का पानी और शौचालय में भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बांध नहीं रहने के कारण हर वर्ष मदरौनी के लोग कोसी की त्रासदी झेलते हैं। साधोपुर से सहोरा तक बांध निर्माण की मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए ये पानी जो है कल से आना गांव में प्रवेश करना स्टार्ट हुआ है। 71 में सबसे पहले हमारे यहाँ बाढ़ त्रासदी हुई थी जिसमें कि बांध टूट करके ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद से तो हम लोग ये लीला आज से 40 वर्ष से लगभग इस तरह की स्थिति हम लोगों के साथ में सब दिन से बनी रहती है। और इसके लिए हमने कई बार उप मुख्यमंत्री जी को भी बोला था जिस समय की हमारे बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय में भी हमने बोला था, लेकिन आज तक सरकार के कान जागरूक नहीं हो पाई है। सरकार यदि सरकार यहाँ एक सिर्फ रिंग बांध का निर्माण करवा दिया जाए तो 5 पंचायत जो हाईली अफेक्टेड होते हैं उन सब में 20 करोड़ की सरकार की राजस्व हर वर्ष बर्बाद होती है। तो हमें लगता है कि यदि 100-150 करोड़ की लागत से यदि रिंग बांध का निर्माण करवा दिया जाए तो उसके बाद इस सरकार के जो राजस्व है इसकी क्षति हर वर्ष होने से सरकार को बचाव हो सकता है। ये रिंग बांध जो है सो आपको ये सधवा अति साधोपुर से लेकर के सहोड़ा तक बनना है, जिसके लिए कि प्रस्ताव भी आया था, बोला गया था कि जमीन अधिग्रहण होगा, लेकिन आज तक तो कुछ समझ में नहीं आता है कि जमीन अधिग्रहण हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी देखिए किलोमीटर तो कहा जाए तो 2-3 किलोमीटर का लगभग का बांध होगा। अभी बाढ़ का आ चुका है गांव में, क्या आप लोग की मांग है? देखिए बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ में तो सारे लोग हम लोग तबाह हो जाते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होती है रहने सहने की, खाने पीने की। तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार से हमारी पहली मांग ये है कि सभी लोगों को अविलंब रूप से पॉलिथीन मुहैया कराया जाए और बाढ़ रिलीफ के तौर पे तत्काल तौर पे जो तत्काल राहत होता है, जो चूड़ा गुड़ शक्कर, ये सब की मांग हमारे द्वारा की जाती है, सरकार से की जा रही है। बाढ़ का भयावह स्थिति है, रहने सहने में जो है किसी तरह जो है ऊंचे स्थान पर लोग जो पलायन कर रहे हैं और यहाँ जो तत्काल प्रभाव करके सूखा राशन मुहैया कराया जाए। जान माल का खतरा है, माल मवेशी को खाने पीने का दिक्कत है, उसके लिए जो भूसा घास का व्यवस्था किया जाए। कहाँ पर मवेशी? मवेशी जो है उसे ऊंचे स्थान पर लेकर चला गया है लोग अपना अपना। कितने सालों से ये जो है 1971 ईस्वी से लगातार बाढ़ की समस्या बनी हुई है। कितने एकड़ फसल जो है बर्बाद? अभी जो है लगभग 300 एकड़ जमीन में जो फसल लगा हुआ था, मक्का का फसल, जो कि डूब चुका है। कुछ लोग जो है नाव पर अपना जो है भूटा तोड़ के निकाल रहे हैं, तो देखी जो रास्ते में देखेगी थोड़ा सा निकाला है, सब खेत डूब गया। कितने घरों में पानी गया होगा? पानी जो है लगभग 400 घर में चला गया है सर। अब आज रात में जो क्या होता है, भयावह स्थिति है। रात भर में जो है लगता है पूरा जलमग्न हो जाएगा। पूर्वी टोला में भी जो है पूरा पानी जो प्रवेश कर। भागलपुर पहुंचे जदयू के एमएलसी विजय कुमार सिंह ने बताया कि नालंदा की तर्ज पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी विकसित किया जाएगा। डीपीआर तैयार करवाया जा चुका है, जल्द ही आगे कार्रवाई के लिए इसे टेंडर की प्रक्रिया में भेजा जाएगा और यह पर्यटन स्थल के रूप में किसी भी रूप में नालंदा से कम नहीं रहेगा। आपको बता दें बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। आचार्यों में दीपांकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखकर इसके गौरवशाली अतीत और विख्याति की अनुभूति की जा सकती है।
युवत नहीं होता, पर्यटक स्थल के रूप में सरकार का चयन जब तक नहीं होगा तब तक सुविधाएं देने में कठिनाई होती है। टेम्प्रोरी सुविधाएं कुछ दी जाती है, लेकिन अब अस्थायी तौर पर उसकी चयन कर ली गई है, उसके लिए DPR बनेगा। DM साहब को अभी सूचना आ गई है, यहाँ से DPR तैयार करके भेजा जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, जिस प्रकार नालंदा के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था, यहाँ क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हुआ था कि ये विकसित करा दिया जाएगा विक्रमशिला को भी, जो ऐतिहासिक। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर देशभक्ति के जज्बे को कायम रखने के उद्देश्य से अपने यहां इलाज कराने आने वाले बच्चों और उनके परिजनों को निःशुल्क राष्ट्रीय तिरंगा बांटा गया। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि भारत का सबसे बड़ा पर्व यानी राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी है और इन दिनों दिन सबसे ज्यादा बच्चों में उमंग देखा जाता है। उनका यह प्रयास है कि बच्चों के साथ साथ आम लोग भी अपने राष्ट्रीय पर्व के महत्व को समझे और उमंग के साथ संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहे। वहीं बच्चे और अभिभावक भी तिरंगा झंडा मिलने से काफी उत्साहित दिखे। जैसा कि हम लोगों को अपना बचपन याद आता है कि हम लोग बचपन में झंडे के प्रति बहुत उत्साह रहता था, एक झंडा मिला और दिन भर कुदकते रहते थे, तो बच्चों में आज भी वो उत्साह बना रहता है, आज भी है। थोड़ा सा चेंज हो गया है कि कई तरह के लोग के हाथ में मोबाइल और ये वो आ गया है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा को जगाए रखना है तो हम लोगों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा और सभी को शामिल होना पड़ेगा। और इसी के तहत हम लोगों ने शुरू किया है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको हाथ में झंडा देते हैं, और बच्चे पता नहीं ये कहाँ से उनमें नैसर्गिक गुण आता है कि उसके प्रति वो बहुत ही जागरूक हैं और बहुत ही उत्साहित होते हैं, तो ये अच्छी बात है। और आज ये जज्बा झंडा के प्रति, तिरंगा के प्रति लोगों में सम्मान जो है, जो भारत देश के प्रति सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, सभी लोग जो इस जश्न में शामिल होते हैं, देश की हर जनता शामिल होती है, और असली त्यौहार भारत का यही है 15 अगस्त और 26। भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला स्कूल से 75 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा झांकियां बनाई गई थी। सभी महापुरुषों के जीवन पर आधारित यह झांकियां बनाई गई थी। तिरंगा यात्रा के दौरान जमकर भारत माता की जय घोष के नारे गूंजते रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं और कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ऐसी यात्राओं से हर भारतीय के अंदर राष्ट्रवाद का भाव जागृत होता है और प्रधानमंत्री के आह्वान पर विगत वर्षों से हम लोग यह यात्रा निकाल रहे हैं और हर घर तिरंगा हो का भी हम लोग संदेश की अपील कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हर भारतीयों के अंदर राष्ट्रता का भाव जागृत हो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव, तिरंगा यात्रा और 75 वर्ष पूरे होने पर लगातार प्रत्येक वर्ष निकल रहा है और हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है वह चल रहा है। साथ ही 9 अगस्त से जो अगस्त क्रांति का सूत्रपात हुआ था और 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है, हम सभी वीरों की मिट्टी जो ऐसे शहीद हैं, सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम में लगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के व्यक्ति हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके घरों पर जाकर और अमृत कलश में मिट्टी ले रहे हैं। वह अभियान चल रहा है और वह अमृत कलश की मिट्टी 27, 28, 29 को युवा मोर्चा के साथी लेकर यहाँ से जाएंगे और दिल्ली में अमृत वन का निर्माण होगा, जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर 7500 जो ब्लॉक हैं उस ब्लॉक की मिट्टी को वहां रखेंगे और वह सभी इतिहास का क्षण होगा और पूरा देश गौरवान्वित होगा कि हमारी मिट्टी से वो अमृत वन बना है। और यह अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा आज जिला स्कूल से निकलकर और विभिन्न जो हमारे मंच मोर्चा प्रकोष्ठ हैं वह उनकी बड़ी सहभागिता है और पहले आप देखेंगे पहली झांकी जो है वह रथ।
पिछले कुछ सालों से शहर में छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, वहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा पर्व त्योहार में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में एकता का परिचय देते हुए पुलिस पब्लिक समन्वय समिति की ओर से शांति और सद्भाव रैली निकाली गई। रैली नाथनगर की नरगा चौक से निकलकर मेदिनीनगर चौक, नाथनगर थाना चौक, बाबा मनस्कामना नाथ चौक होते हुए सुभाष चंद्र बोस चौक तक पहुंची, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। शांति और अमन का वातावरण बनाए रखने के लिए लोग हाथ में तख्ती लेकर अनेकता में एकता का परिचय दिए। पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार अंसारी ने कहा कि जो भी ऐसे असामाजिक तत्व के लोग किसी न किसी बात को लेकर दंगे का रूप देकर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, उसके लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा और एकजुट होकर उसे अपने मनसा में कामयाब बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सद्भावना रैली में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, लोजपा नेता राजेश वर्मा व पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के अध्यक्ष इब्रार अंसारी, नाथनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद ताब खान, ललमटिया ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार, ततारपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान के साथ साथ कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। अनुमंडल कार्यालय परिसर में मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत जिला हब फोर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान ट्रेनी एडीएम, सिविल सर्जन, एएचडीएम सहित पदाधिकारियों के द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। जिले में इस कार्यालय के खुल जाने के बाद महिलाओं को होने वाली किसी भी समस्या का हल यहां पर किया जाएगा, चाहे वो घरेलू समस्या हो, घरेलू अपराध, आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाने में दिक्कत हो सहित अन्य समस्या जो महिलाओं के साथ होती है। इन समस्याओं को लेकर महिला यहां पर आएंगी और उनकी शिकायत दर्ज कर उसका हल किया जाएगा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य में यह एक और कार्य आज से शुरू किया गया है, जिससे महिलाओं को होने वाली परेशानियों से उनका निपटारा दिलाया जा सके। वहीं इस अवसर पर महिलाओं को होने वाली परेशानियों को लेकर भी चर्चा की गई और आगे और किस तरह से कदम उठाए जाने की जरूरत है, इसको लेकर भी कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई।